नमस्कार, स्टीक बात सीधी बात में आपका स्वागत है। ये सीधी लाइव तस्वीर है जी हाँ, सीधी लाइव तस्वीर आप देख सकते हैं यहाँ पर तिरंगे की शान में। जी हाँ, तिरंगे की शान में, तिरंगे के सम्मान में तिरंगा शोभा यात्रा आप निकाली जा रही है। आप देख सकते हैं सीधी लाइव तस्वीरें यहाँ पर सुभाष पार्क में। जी हाँ, सुभाष पार्क में आप देख सकते हैं सीधी लाइव तस्वीरें। इस समय आप देख रहे हैं यहाँ पर कुरुक्षेत्र लोकसभा सांसद नायब सैनी और विधायक सुभाष सोता यहाँ पर तिरंगे के मान सम्मान में तिरंगा, जी हाँ, तिरंगा शोभा यात्रा यहाँ पर आप देख सकते हैं। तिरंगा यात्रा का सम्मान यहाँ पर आज किया जा रहा है। तिरंगा यात्रा आज यहाँ से निकाली जा रही है। आप देख सकते हैं सीधी लाइव तस्वीरें, विधायक सुभाष सुधा जो हैं वो सुभाष पार्क में आप देख सकते हैं शहीदों के सम्मान में। जी हाँ, शहीदों के सम्मान में आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये सीधी लाइव तस्वीरें जी आप देख रहे हैं। स्ट्रीक बात सीधी बात पर हमारे तमाम दर्शक जितने भी इस वीडियो को, ये वीडियो साथ साथ शेयर जरूर करते रहिएगा। कुरुक्षेत्र लोकसभा सांसद हमारी मोबाइल स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहाँ पर तिरंगा यात्रा में आप देख सकते हैं सभी। ये सीधी लाइव तस्वीर आप देख सकते हैं यहाँ पर विधायक सुभाष सुधा और लोकसभा सांसद नायब सैनी यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधी लाइव तस्वीरें। नेता सुभाष चंद्र पार्क में यहाँ पर शहीदों के सम्मान में यहाँ पर फूल अर्पण किया जा रहा है, चरणों में फूल अर्पण किया जा रहा है और भारत माता के नारे यहाँ पर आप देख सकते हैं। भारत माता की जय के नारे यहाँ से गूंज उठी धर्म नगरी कुरुक्षेत्र। सभी के हाथ में यहाँ पर तिरंगे झंडे आप देख सकते हैं, तिरंगा झंडा। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष राजकुमार सैनी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी मोबाइल स्क्रीन पर यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें। यहाँ पर वंदे मातरम, जी हाँ, वंदे मातरम से और भारत माता की जय से धर्म नगरी गूंज उठी आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये सीधी लाइव तस्वीरें हमारे तमाम दर्शक जितने भी इस वीडियो को, वीडियो साथ साथ शेयर जरूर करते रहिएगा। यहाँ शहीदों के सम्मान में आप देख सकते हैं यहाँ पर शहीदों के सम्मान में ये तिरंगा यात्रा। जी हाँ, शहीदों के सम्मान में ये अब दूर दूर तक देख रहे हैं यहाँ पर तिरंगा यात्रा। जी हाँ, तिरंगा यात्रा यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधी लाइव तस्वीरें। जी हाँ, हमारे तमाम दर्शक जितने भी इस वीडियो को साथ साथ शेयर जरूर करते रहिएगा जी। ये सीधी लाइव तस्वीरें आ रहे हैं। तो सर बुलाइए, तो आप देख सकते हैं विधायक जी इधर आ जाओ, इधर। तो आप देख सकते हैं सीधी लाइव तस्वीरें यहाँ पर, यहाँ विधायक सुभाष सुधा और नमस्कार जी। दक्कन हमारा पवन जी कहाँ हैं? राजकुमार जी सर क्या बताएंगे तिरंगा यात्रा? देखिए, आज पूरे प्रदेश में 90 के 90 विधानसभाओं में प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने इस बात को कहा कि 1 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक पूरे हरियाणा प्रदेश में उन शहीदों के सम्मान में जो देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, उस 75 वर्ष में उन सब शहीदों को, उन रणबांकुरों को वो शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा के माध्यम से उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी जा रही है, उनको याद किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम के तहत पूरे प्रदेश में पूरा जन सैलाब उमड़ करके वो लोगों का आ रहा है और उन रणबांकुरों को वो सच्ची श्रद्धांजलि दी जा रही है। आज का दिन ये विशेष दिन भी है। आज के दिन 8 अगस्त 1942 को अगस्त क्रांति महात्मा गांधी जी ने उसकी शुरुआत की थी, जो अंग्रेज जिनका कुशासन था, जिनका अत्याचार हिंदुस्तान के, भारत के लोगों के ऊपर होता था, उसके प्रति और बुलंद आवाज करने का आज महात्मा गांधी जी ने एक नारा दिया था, करो या मरो। और उसके तहत आज पूरे प्रदेश के अंदर ये शहीद तिरंगा सम्मान यात्रा निकाली जा रही है और सभी भारी संख्या के अंदर जो यूथ उमड़ करके आया है उस कड़ी के अंदर उन सबको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। विधायक जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहूँगा कि आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे प्रदेश के अंदर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है, जो 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक पूरी, आप देख रहे होंगे किस कितनी
भारी मात्रा में लोग एकत्रित हो गए, चाहे वो अम्बाला के अंदर निकल रही है, चाहे पानीपत के अंदर, जहाँ भी देखेंगे पूरी भारी मात्रा के अंदर लोगों के अंदर, एक युवाओं के अंदर उत्साह है। इतनी बड़ी यात्रा जो निकल रही है, आज हम उन शहीदों को याद कर रहे हैं। और मैं कहूँगा आज 15 अगस्त 1947 को जिस प्रकार से देश आज़ाद हुआ, किस प्रकार से आज देश के अंदर सुई से लेकर जहाज तक हमारे देश के अंदर आज बनता है, ये बहुत बड़ी बात है। और आज हमारे जो युवा पीढ़ी, उनको ये प्रेरणा देंगे कि आज किस प्रकार से हमारे खिलाड़ी, आज किस प्रकार से हरियाणा के खिलाड़ी कितने मेडल जीत के लाए हैं। हम उनको आज इस यात्रा के साथ साथ उन्हें भी हम नमन करते हैं, उनको हम सम्मान करते हैं। साथ में ये कहूँगा, अभी हमारा कुरुक्षेत्र का अभी एक खिलाड़ी अभी यहाँ से संदीप भाई जीत का है, उसके सुरेंद्र पाल उसके लिए भी हम बहुत बड़ा, उसका जब वो आएगा उसका बड़ा भारी हम उसका आयोजन करेंगे और उसका बहुत ज़बरदस्त स्वागत किया जाएगा। और कुरुक्षेत्र की 3 बेटियाँ भी खेल रही थी जो मेडल लाने के, उसमें कहीं ना कहीं देखिए हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये बहुत बड़ी बात कही है कि जितने भी खिलाड़ी वहाँ खेल रहे थे उन सब का हम मान सम्मान करेंगे, ये आदरणीय मुख्यमंत्री ने कहा है। और मुख्यमंत्री किस प्रकार से एक एक खिलाड़ी को गेम देख रहे थे और उनके मन के अंदर जोश, आदरणीय नील विजय तो डांस ही कर पाए हैं, तो बहुत बड़ा एक हरियाणा प्रदेश का सम्मान मिला है। हम की बहुत बड़ी इन खिलाड़ियों की बहुत हम उनका रिस्पेक्ट करते हैं, उनका बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे कि विधायक जी ने कहा है, खिलाड़ियों की जीत की खुशी भी साथ साथ मनाई जा रही है। जी हाँ, खिलाड़ियों की जीत की खुशी साथ साथ मनाई जा रही है। आप देख सकते हैं सीधी लाइव तस्वीरें, जी हाँ, शहीदों के सम्मान में जी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सीधी लाइव तस्वीरें। हमारे तमाम दर्शक जितने भी इस वीडियो साथ साथ शेयर जरूर करते रहिएगा। तो आप देख सकते हैं तिरंगा सम्मान यात्रा यहाँ पर आप ये सीधी लाइव तस्वीरें, जी हाँ, हमारे तमाम दर्शक जितने भी इस वीडियो साथ साथ शेयर जरूर करते रहिएगा। तो आप देख सकते हैं हम आपको तिरंगा सम्मान यात्रा यहाँ पर जो शुरू होने वाली है, आपको तिरंगा सम्मान यात्रा यहाँ पर दिखा रहे हैं। विधायक सुभाष सुधा, कुरुक्षेत्र लोकसभा सांसद, नायब सैनी और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जो हैं राजकुमार सैनी भी यहां पर मौजूद है। आप देख सकते हैं ये सीधी लाइव तस्वीरें, हम आपको सीधी लाइव तस्वीरें यहां पर आप देख सकते हैं। तो सीधी लाइव तस्वीरें, जी हां, तो ये मान सम्मान आप देख सकते हैं, तिरंगे के सम्मान में आप देख सकते हैं यहां पर, तिरंगे के सम्मान में जो आप देख सकते हैं सीधी लाइव तस्वीरें, जी हां फतेह चंद गांधी, क्या कहेंगे सर ये जो तिरंगा यात्रा है आज ये थनेसर विधानसभा की हमारे नायब सैनी जी और सुभाष सुधा जी के अगुवाई में चल रही है। हमारे कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है इस तिरंगा यात्रा को लेकर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तिरंगा यात्रा को लेकर भारी उत्साह यहाँ पर तिरंगा यात्रा को लेकर, ये सीधी लाइव तस्वीरें। हमारे तमाम दर्शक जितने इस वीडियो साथ साथ शेयर जरूर करते रहिएगा। तिरंगा यात्रा यहाँ पर, ये सीधी लाइव तस्वीरें, जी हाँ, खिलाड़ियों की जीत पर उसकी खुशी में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं विधायक सुभाष सुधा कहना, यहाँ पर उनकी खुशी भी साथ साथ यहाँ पर मनाई जा रही है। तिरंगा सम्मान यात्रा, ये सीधी लाइव तस्वीरें। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पर, जी हाँ, भारत माता की। यहाँ तिरंगा सम्मान यात्रा, भाई नमस्कार जी, ठीक हो जी। ये तिरंगा सम्मान यात्रा आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये सीधी लाइव तस्वीरें सभी यहाँ पर, जो हमारे साथ यहाँ पर डीपी चौधरी जी भी हैं जो क्रीड़ा भारती के प्रधान है। सर क्या कहना चाहेंगे, तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए आज शहीदों के सम्मान में हम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं देश और देश में जागरूकता लाने के लिए, ताकि नौजवान युवा साथियों को साथ जोड़ने के लिए आज जागृति का जो समारोह, हमने नौजवान युवा साथियों में जो उत्साह देखा है पूरे देश में, यही अपील है कि हम अपने शहीदों के लिए, अपने खिलाड़ियों के सम्मान के लिए तिरंगा यात्रा का समारोह कर रहे हैं। बढ़ चढ़कर भाग ले, जय हिंद जय भारत। तो ये थे हमारे साथ डीपी चौधरी, यहाँ पर आप देख सकते हैं धर्मपाल चौधरी जी, आप देख सकते हैं सीधी लाइव तस्वीरें यहाँ पर, जय भारत माता की जय, जय भारत माता की जय के नाम से यहाँ पर तिरंगा सम्मान यात्रा यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये सीधी लाइव तस्वीरें। हमारे तमाम दर्शक जितने भी इस वीडियो साथ साथ शेयर जरूर करते रहिएगा। पूरे शहर का चक्कर काटते हुए जी हाँ, तिरंगा सम्मान यात्रा पूरे शहर का चक्कर काटते हुए अंबेडकर चौक पर वहां पर समाप्त हो जाएगी, अंबेडकर चौक पर, जी हाँ।
तिरंगा सम्मान यात्रा जो आप देख सकते हैं ये। देखिए ये तिरंगा यात्रा आपके बीच में गौशाला बाजार से होती हुई, गौशाला बाजार से होती है, सीकरी चौक से होती है, अम्बेडकर चौक पर जी हाँ तिरंगा सम्मान यात्रा, तिरंगा सम्मान यात्रा आप देख सकते हैं ये सीधी लाइव तस्वीरें जी हाँ, भारत माता की जय के नाम से यहाँ पर तिरंगा सम्मान यात्रा आप देख सकते हैं यहाँ पर, भारत माता की, भारत माता की, वंदे भारतीय युवा, वंदे भारतीय युवा जिला मोर्चा के अध्यक्ष रूपल शर्मा, भारत चेयरमैन केजीएल शर्मा जी यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधी लाइव तस्वीरें, सभी युवा नेता यहाँ पर तिरंगा सम्मान यात्रा में देख सकते हैं यहाँ पर ये सीधी लाइव तस्वीरें, नैब सिंह सैनी जी कुरुक्षेत्र लोकसभा सांसद नैब सिंह सैनी पर आप देख सकते हैं, राजकुमार सैनी जी जिला प्रधान राजकुमार सभी कार्यकर्ता प्रदेश के प्रधानमंत्री डॉक्टर पवन सैनी जी यहाँ पर हड़वा के पूर्व सैनी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, जीवन शर्मा जी जो जिला युवा मोर्चा के अध्यक्ष जिला युवा कार्यकर्ता तेरह यात्रा जो है सभी की अगुवाई में आज हजारों की संख्या में देख रहे हैं और भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भाई राम लाला जी ने दे सकते हैं कैसे यहाँ पर युवा जो है वो तिरंगा सम्मान यात्रा का इंतजार कर रहे हैं, ये सीधी लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पर, तिरंगा सम्मान यात्रा यहाँ पर शहीदों के मान सम्मान में तिरंगा सम्मान यात्रा सीधी लाइव तस्वीरें, और इतनी गर्मी के बावजूद भी आज हजारों की तादाद में ये तिरंगा यात्रा आज इस देश के राष्ट्रीय ध्वज लहराता हुआ ध्वज आप देख सकते हैं यहाँ पर, तिरंगा सम्मान यात्रा सुभाष पार्क से चलकर यहाँ, सुभाष पार्क से चलकर यहाँ पर अम्बेडकर चौक पर यहाँ पर समाप्त हो जाएगी, तो आप देख सकते हैं तिरंगा सम्मान यात्रा में विधायक सुभाष सुधा, लोकसभा सांसद कुरुक्षेत्र के लोकसभा सांसद नैब सैनी ट्रैक्टर पे बैठकर आ रहे हैं आप देख सकते हैं, और ट्रैक्टर जो चला रहे हैं विधायक सुभाष सुधा के बेटे साहिल सुधा आप देख सकते हैं, सीधी लाइव तस्वीरें हमारे तमाम दर्शक जितने यहाँ पर इस वीडियो को देख रहे हैं हमारे व्यूवर्स वीडियो के साथ साथ शेयर जरूर करते रहिएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सीधी लाइव तस्वीर है जी हाँ, जिसमें पूर्वांचल के लोग भी यहाँ पर शामिल हो चुके हैं, तो सभी कार्यकर्ता आप देख सकते हैं सीधी लाइव तस्वीरें हमारे तमाम दर्शक जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं वीडियो साथ साथ शेयर जरूर करते हैं, देखिएगा हर तरफ तिरंगा ही तिरंगा जी हाँ, तिरंगे के शान में, तिरंगे के शान में तिरंगा यात्रा जो आप देख सकते हैं निकाली जा रही है यहाँ पर, ये सीधी लाइव तस्वीर है जी, सुभाष पार्क से चलकर अम्बेडकर चौक पर यह समाप्त हो जाएगी, तो आज शहीदों के सम्मान में जी हाँ, शहीदों के सम्मान में तिरंगा यात्रा जो है यहाँ पर देख सकते हैं, सभी युवा कार्यकर्ता बीजेपी के सभी युवा कार्यकर्ताओं के हाथ में जी हाँ तिरंगा झंडा, सभी युवा कार्यकर्ताओं के हाथ में तिरंगा झंडा आप देख सकते हैं यहाँ पर, देश की शान तिरंगा जी हाँ, देश की शान तिरंगा जहाँ भारत माता की जय के नाम से गूंज उठी थी आप देख सकते हैं यहाँ पर, विधायक सुभाष सुधा जो है ट्रैक्टर पे बैठे हुए हैं, विधायक सुभाष सुधा ट्रैक्टर पे, और नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र लोकसभा सांसद नायब सिंह सैनी, राजकुमार सैनी भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष आप देख सकते हैं साहिल सुधा यहाँ पर ट्रैक्टर चलाकर यहाँ पर आए हैं, तो तिरंगा सम्मान यात्रा में आप पटाखों की आवाज भी सुन रहे हैं आप देख सकते हैं सीधी लाइव तस्वीरें हमारे तमाम दर्शक जितने भी इस वीडियो के साथ साथ शेयर जरूर करते रहिएगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तिरंगा सम्मान यात्रा में आप देख सकते हैं चारों तरफ देख सकते हैं राष्ट्रीय ध्वज के चारों तरफ यहाँ पर देख सकते हैं धूम धड़ाका जी हाँ पटाखों का इतना जोरदार यहाँ पर स्वागत किया गया आप देख सकते हैं यहाँ पर यह सीधी लाइव तस्वीरें स्वागत स्वागत की तैयारियां हम आपको दिखा सकते हैं तिरंगा सम्मान यात्रा में शहीदों की देखिएगा देख सकते हैं यहाँ पर सांसद लोकसभा सांसद नैब सिंह सैनी यहाँ पर पहुंच चुके हैं विधायक सुभाष सुधा
और साहिल सुधा जो है यहाँ पर युवा नेता जो है विधायक सुभाष सुधा के बेटे हैं, युवा नेता यहाँ पर आप देख सकते हैं खुद यहाँ पर ट्रैक्टर चलाकर यहाँ पर जी हाँ तिरंगा सम्मान यात्रा में खुद ट्रैक्टर चलाकर अपने युवा कार्यकर्ताओं के साथ देखिए किस तरह से युवा कार्यकर्ता साहिल सुधा का यहाँ पर सम्मान करते हुए आप देख सकते हैं। सीधी लाइव तस्वीर है ये, खबर के साथ साथ शेयर करते रहिए जी। साहिल जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए इससे बड़ा खुशी का मौसम नहीं है कि आज हमारे यहाँ का जो युवा है उसने एक ऐसी जगह पे भारत को पहुंचा दिया है जहाँ पर पहुंचने का हम लोग सपना देखते थे, और आने वाले युवाओं के लिए मैं कहूंगा ये प्रेरणा होना चाहिए, और इसी तरीके से आने वाले और भी जो युवा है वो खेल की तरफ प्रोत्साहित हो, इतना ही कहना चाहूंगा। और आज हम तो जैसे कि साहिल सुधा ने यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधी लाइव तस्वीरें जी हाँ, जो हमारे युवा जो है देश का नाम रोशन कर रहे हैं, हमारा जो युवा देश का नाम रोशन कर रहे हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर फूल अर्पण, यहाँ पर माला अर्पण यहाँ पर करने के लिए आए हैं सभी हमारे जितने भी तमाम दर्शक, जितने भी इस वीडियो साथ शेयर जो करते रहिएगा। तो आप देख सकते हैं सांसद नैब सिंह सैनी जो है यहाँ पर, लोकसभा सांसद नैब सिंह सैनी और विधायक सुभाष सुधा जी हाँ, सुभाष चंद्र जी हाँ। तो आप देख रहे हैं अम्बेडकर चौक पर यहाँ पर नेताजी को यहाँ पर माला अर्पण करने के लिए आए हैं, यहाँ पर सभी कार्यकर्ता जी हाँ, सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर सम्मानित। आप देख सकते हैं यहाँ पर यह सीधी लाइव तस्वीर है जी हाँ, युवाओं के मान सम्मान में जो जिस तरह से तिरंगे का नाम ऊंचा किया है भारतवर्ष में पूरे विश्व में तिरंगे का नाम ऊंचा किया है, जैसे कि जहाँ नीरज चोपड़ा ने हमारी बेटियों ने हरियाणा की 3 बेटियों नाम जैसे कि रोशन किया है, तो उसके देखिए मान सम्मान में भी यहाँ पर जी हाँ उनकी खुशी में भी यहाँ पर तिरंगा यात्रा जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, यह सीधी लाइव तस्वीर है जी हाँ, सुभाष पार्क से चलकर अम्बेडकर चौक पर यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। तो यहाँ पर देखिएगा मान सम्मान यहाँ पर किया जा रहा है, तिरंगा सम्मान यात्रा आप देख सकते हैं, चारों तरफ राष्ट्रीय ध्वज सभी लोगों के हाथ में राष्ट्रीय ध्वज आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, यहाँ देश की शान है तिरंगा जी हाँ, तिरंगा देश की शान आप देख सकते हैं यहाँ पर, सभी युवाओं के हाथ में यहाँ पर तिरंगा आप देख सकते हैं। युवा जिला मोर्चा के अध्यक्ष रूबल शर्मा यहाँ पर आप देख सकते हैं, रूबल शर्मा जी भी यहाँ पर सभी युवा नेता आप देख सकते हैं यहाँ पर, यह सीधी लाइव तस्वीर है जी हाँ। भाई साहब क्या कहना चाहोगे शर्मा जी, क्या कहना चाहोगे? आज देखिए शहर के अंदर बिल्कुल ब्याह शादी जैसा माहौल है, हमारी पार्टी द्वारा शहीदों के सम्मान के लिए तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसके अंदर हमारे मोर्चे के साथी व सभी ने बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया। मैं आप सब पत्रकार व छायाकार साथियों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जो हमारे साथ, देखिए आप सब भी पैदल चलते हुए इस यात्रा को देखते आए, आप सबका भी तहे दिल से धन्यवाद। युवा जिला मोर्चा के अध्यक्ष जी हाँ, जिला अध्यक्ष युवल शर्मा जो देख सकते हैं, ये सीधी लाइव तस्वीर है जी हाँ, यहाँ पर माला अर्पण करने के लिए आप देख सकते हैं सभी यहाँ पर युवा नेता जी हाँ, विधायक सुभाष सुधा थानेसर के विधायक सुभाष सुधा और कुरुक्षेत्र लोकसभा सांसद नायब सैनी राजकुमार सैनी भारतीय जनता पार्टी के जो जिला अध्यक्ष है, सभी युवा कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद आप देख सकते हैं। यहाँ पर सुभाष पार्क से यात्रा शुरू हुई और अम्बेडकर चौक पर यहाँ पर यात्रा समाप्त कर रहे हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पर यह सीधी तस्वीरें यहाँ पर आप देख सकते हैं, भीड़ यहाँ पर हो चुकी है देख सकते हैं यहाँ पर, ये हमारे तमाम दर्शक जितने भी इस वीडियो साथ शेयर जो करते रहिएगा। बाबा अम्बेडकर साहब की प्रतिमा के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर फूल माला अर्पण करते हुए यहाँ पर, ये सीधी लाइव तस्वीरें। माला अर्पण यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर विधायक और सांसद दोनों माला अर्पण करते हुए यहाँ पर हाथ में तिरंगा लिए हुए, देखिए हाथ में तिरंगा, देश की शान हाथ में तिरंगा। भारत माता की जय और सभी के हाथ में, युवाओं के हाथ में यहाँ पर तिरंगा देख सकते हैं, देश की शान जो है सभी के हाथ में यहाँ पर तिरंगा, और तिरंगा सम्मान यात्रा यहाँ पर निकाली गई है आज कुरुक्षेत्र में, जहाँ शहीदों के मान सम्मान में तिरंगा सम्मान यात्रा, पूर्वांचल के लोग भी यहाँ पर तिरंगा यात्रा में शामिल हो चुके हैं, सभी
समुदाय के लोग यहाँ पर तिरंगा यात्रा में शामिल। आप देख सकते हैं सीधी लाइव तस्वीरें, हमारे तमाम दर्शक जितने भी वीडियो साथ साथ शेयर करते रहिएगा। अम्बेडकर चौक पर अम्बेडकर चौक पर सीधी लाइव तस्वीरें, यहाँ पर विधायक सुभाष सुदा और सांसद जो है लोकसभा सांसद नायब सिंह सैनी यहाँ पर फूल माला अर्पण करते हुए बाबा साहब अम्बेडकर की यहाँ पर मूर्ति पर आप देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीर पर, यहाँ पर ये सीधी लाइव तस्वीरें अम्बेडकर चौक से सीधी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय, सीधी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं ये। बने रहिए इस ठीक बात सीधी बात पर और तमाम खबरों के साथ मिलते हैं आपको राहुल शर्मा के साथ।